हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक किताब के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ, चाहे कोई सफ़र में जाऊँ, जर्नी में और कहीं पर भी जाती हूँ, तो हमेशा एक किताब अपने साथ ज़रूर रखती हूँ, जो स्पिरिचुअल हो, जो नॉलेज दे, या कोई भी ऐसी बायोग्राफी। मुझे बहुत पसंद है किसी की ज़िंदगी के बारे में मालूम करना। और हमेशा, तो ये टाइम जब मैं ऋषिकेश गई और जब मैं वापस आ रही थी, तो एक बुक स्टॉल में मैं गई, जो एयरपोर्ट पे हमेशा होते हैं बुक स्टॉल, उसमें मैं गई थी। तो ये बुक स्टॉल में मुझे ये किताब मिली, ये है सीता सिस्टर, और इनको लिखा है कविता केन ने। तो ये जो किताब है ना, मैंने झट से उठा ली, क्योंकि सीता की सिस्टर के बारे में मैं नहीं जानती हूँ ज़्यादा। तो हम लोग सीता मैया के बारे में, राम, लक्ष्मण, कौशल्या, या फिर भरत, शत्रुघ्न, हम सबके बारे में जानते हैं, लेकिन सीता की जो बहन थी, जिन्होंने लक्ष्मण से शादी की थी, इसके बारे में सही देखने जाओ तो मुझे नहीं पता ज़्यादा। शायद लोगों को पता होगा, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो जब मुझे ये किताब मिली, मैं बहुत खुश हो गई कि लेट मी रीड। एंड टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन यह आपको ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी किताब होगी, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जब माता सीता वनवास जा रही थी, और जब लक्ष्मण और राम जी भी साथ में जा रहे थे, तो लक्ष्मण से इनकी शादी हुई थी, उर्मिला इनका नाम था, ये सीता जी की छोटी बहन। तो इनको सीता मैया ने कहा कि आप नहीं चलोगी हमारे साथ में, आपको यहीं पर अयोध्या में रहना है और आपको सबकी देखभाल करनी है। तो इसकी जर्नी जो 14 साल की है, जब वो अपने हस्बैंड के बगैर रही है, तो इसके बारे में ये किताब है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड होगी। आई डोंट नो द ऑथर, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम उनकी किताब ली है। I don't know anything. I don't know how interesting this book is, but I know that I'm going to love it. क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इनके बारे में ज़रूर जानना है कि सीता मैया की जो बहन थी वो कैसी थी, और वो कैसे ज़िंदगी उन्होंने गुजारी इसके बारे में। तो आप सब भी अगर आप चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, और आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक और किताब लिखी है, करना's वाइफ। सो दिस इज़ अनदर, दिस जो ये जो ऑथर है, इनकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो माइथोलॉजिकल, यू नो, ऑल द स्टोरीज़ दैट वी हैव, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे रिलीजन के बारे में है, और जो हमारे हमारे धर्म के बारे में है, उनकी सारी अलग अलग किताबें इन्होंने लिखी है, जो हम बहुत ही कम डिस्कस करते हैं और बहुत ही कम पढ़ते हैं इसके बारे में। आज हमको सीता मैया के बारे में पता है, हमें राम लक्ष्मण जी के बारे में पता है, हमें बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स, जो मतलब जो हमारे लाइक यू नो दे आर यू नो आवर धर्म के लोग हैं, उनके बारे में पता है। बट आई हैव नेवर हर्ड अबाउट उर्मिला, और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं इनके बारे में कि एक्चुअली उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी होगी, उनका मतलब उनकी जो जर्नी होगी, जो 14 साल की होगी, वो कैसी होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, तो ज़रूर आप ख़रीदिए, और मैंने पढ़ने के बाद मैं ज़रूर रिव्यू दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि पहले से क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बताऊं कि ऐसी भी किताबें मिलती हैं जो मतलब हम इसको रीड कर सकते हैं, और हम इसके बारे में और जान सकते हैं। तो यू प्लीज़ यू कैन बाय दिस बुक, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी आपने ले ली है और आपने पढ़ा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी ये किताब। और दूसरा ये है कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात और है कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती तो हूँ, कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कभी कभी मुझे नहीं मिलता है टाइम। लेकिन मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, और आप मेरी बातों को सुनते हैं, और मुझे इतना सनातनियों से इतना प्यार मिलता है कि जो थोड़ा बहुत जो बकवास मेरे इसमें आ जाता है हिस्से में, उसको मैं भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये लोगों की बातें तो कोई मायने नहीं रखती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी बातों से। तो आप प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और आपको पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत आभार, और हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।